पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर गई। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाओं के ढेरे, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे, गर्मी और हब्स में कमी आ गई। आज इस्लामाबाद, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज बारिश का इम्कान। ईद उजहा पर SOPs की खिलाफवर्जी नाकाबले बर्दाश्त, एहतियात का दामन थाम कर जीना सीखना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना कब तक रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, एहतियात में ही सलामती और तहफ्फुज है। वजीर आजम इमरान खान का उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद, कहते हैं पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आजम की अराकीन असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही का वो दो चार है, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में मिसाली खिदमत की गई, आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमांदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब की तबाही देखकर खामोश तमाशाही नहीं रह सकते। पंजाब से किस बात का बदला लिया जा रहा है? PTI हुकूमत को डिजास्टर गवर्नेंस कहेंगे, हमें शोबा सेहत पर तवज्जो देनी होगी, कोरोना फैलने का खदशा अभी भी मौजूद है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के एहसन इकबाल पर तनकीद, कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले आज दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, नारोवाल के रिश्तों को देखकर उन्हें तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। मुल्क भर में ताजिरों ने हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में ताजिरों के वजीर आजम हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। ताजिर कहते हैं हुकूमत कारोबार कायम रखने के लिए फौरी रिलीफ दे, वरना लोगों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो जाएगी। कराची वेस्ट जोन में पुलिस ने तकरीबकारी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया। कालादम तंजीम BRSS के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। SSP वेस्ट फिदा हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। मामले खुसूसी शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहते हैं बारिश ज्यादा होती है तो पानी भी ज्यादा आता है। कराची में पानी ने PP की 3 नस्लों की करप्शन और बड़ इंतजामी भी बेनकाब कर दी। बिलावल बयानात से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। जमात इस्लामी ने कश्मीर पर नेशनल एक्शन प्लान और रोड मैप बनाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कश्मीर पर अमली इकदाम का वक्त आ गया, पाक फौज कश्मीरियों की आजादी के लिए आगे बढ़े, नेपाल भारत के पास मकबूजा इलाके आजाद कराने के लिए नक्शा जारी कर सकता है, तो एटमी पाकिस्तान अपना हिस्सा आजाद कराने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और शायकीन ने क्रिकेट के लिए खुशखबरी, कोरोना वायरस के साए खेल के मैदानों से दूर होने लगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं कि हुकूमत ने खेल के मैदानों में महदूद तादाद में शायकीन को दाखिले की इजाजत देने का फैसला कर लिया। स्टेडियम में आने वालों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा।